3 GB 3 GB मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 24 वीडियो नंबर फर्स्ट टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा द वैल्यूज ऑफ कोस 9 माइनस साइन 9 द वैल्यू ऑफ cos 9 माइनस साइन 9 माइनस किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमको फाइंडिंग करना है किसके बराबर होगी। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन ले लेते हैं किस तरह से आ सकती है। फॉर्मूला अगर हम लगा लेते हैं cos 9 माइनस साइन 9 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 9 माइनस 2 साइन 9 एंड कोस 9। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 9 कोस 9 यानी कि साइन 2 इंटू 9 यानी कि 1 माइनस का साइन 18। तो होगा कोस 9 माइनस साइन 9 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का साइन 18 अंश। साइन 18 अंश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 इसको सॉल्व करते हैं 4 एलसीएम 4 माइनस का अंडर रूट 5 प्लस 1 होगा 5 माइनस का अंडर रूट 5 अपॉन 4। ये हो गया कोस 9 माइनस साइन 9 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर हम अंडर रूट लेते हैं कोस 9 माइनस का साइन 9 इक्वल टू होगा प्लस माइनस का अंडर रूट 5 माइनस का रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, यानी कि 4 का अंडर रूट आ जाएगा। यस, कोस 9 इज ग्रेटर देन टू साइन 9 यानी पॉजिटिव क्वांटिटीज हमको लेनी पड़ेगी तो पॉजिटिव में ही रहेगा तो अंडर रूट 5 माइनस का रूट 5 अपॉन 2। तो ये हुआ कोस 9 माइनस का साइन 9 का आंसर। ठीक है, कोस 9 अंश सब में अंश लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने लिखा नहीं तो मान लीजिए सभी में अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। 24 डे नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 2 द वैल्यू ऑफ वैल्यू फाइंडिंग कर रहे हैं 10 पाई बाई 60 प्लस का 2 10 पाई बाई 8 प्लस 4। ठीक है, पाई 10 पाई बाई 16 प्लस 2 10 पाई बाई 8 प्लस 4 की वैल्यू हमको फाइंडिंग करना है तो किसके इक्वल ये आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा एक सूत्र हो जाएगा या इसको इनइक्वालिटीज मान लीजिएगा। टेन थीटा इक्वल टू को थीटा माइनस का टू को टू थीटा या टू को टू थीटा इक्वल टू को थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे है। टू को टू थीटा इक्वल टू को थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्विंग करते हैं तो ये बनाती है बन जाती है। तो हमारा जो आंसर है 10 के टर्म में है 10 थीटा इक्वल टू को थीटा माइनस का 2 को 2 थीटा। अब बात आती है कि 10 पाई बाई 16 10 पाई बाई 8 इनकी वैल्यू कोट के टर्म में हम निकालेंगे तो ये इनइक्वालिटीज ये था सॉल्विंग करेंगे तो ये बनता है यानी इसको हमने ये ले लिया ये इधर ले आते हैं 10 इधर ले आते हैं तो ये इनइक्वालिटीज बन जाती है। जैसे 10 थीटा है थीटा की जगह पाई बाई 16 रख देना 10 पाई बाई 16 की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 16 प्लस 2 10 पाई बाई 8 प्लस 4 इक्वल टू 10 पाई बाई 16 में हो जाएगा कोट पाई बाई 16 माइनस का 2 कोट 2 इंटू पाई बाई 16 प्लस का 2 10 पाई बाई 8 में होगा कोट पाई बाई 8 माइनस 2 इंटू कोट 2 इंटू पाई बाई 8 प्लस 4। ठीक है, 10 पाई बाई 16 प्लस का 2 10 पाई बाई 8 इसमें हमने वैल्यू रख दिया पाई बाई 16 यहाँ रख देंगे फिर पाई बाई 8 रख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं
इधर कोड पाई वाई 16 माइनस का 2 कोड पाई वाई 8 प्लस का 2 कोड पाई वाई 8 माइनस माइनस 4 कोड पाई वाई 4 प्लस 4। ठीक है, तो पाई वाई 8 वाले से पाई वाई 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनता है कोट पाई वाई 16 माइनस का 4 कोट पाई वाई 4 यानी 1 हो जाएगा, कोट 45 1 होता है, टेन 45 भी 1 होता है, प्लस 4, तो ये बनता है कोट पाई बाई 16 माइनस 4 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा कोट पाई बाई 16, यानी कि आंसर जो बन रहा है आ चुका है कोट पाई बाई 16। तो इसके जो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था कोट पाई बाई 8, बी ऑप्शन था कोट पाई बाई 16 जो आंसर मिल चुका है, और सी ऑप्शन था कोट पाई बाई 16 माइनस 4, और डी था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ चुका है कोट पाई बाई 16। तो इस तरह से क्वेश्चन होना काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 324 का क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पी जी टी के मतलब का है। कोस की पावर 4 थीटा सेक स्क्वायर अल्फा कोमा 1/2 एंड साइन की पावर 4 थीटा एंड कोसक स्क्वायर अल्फा आर इन ए पी, ये ए पी में है। ठीक है, देन कोस की पावर 8 थीटा कोमा सेक की पावर 6 अल्फा कोमा 1/2 एंड साइन की पावर एट थीटा इंटू कोसेक की पावर 6 अल्फा आर इन, ये किस में होंगे ये बताना है। ए ये मान लिया, ए मान लेते हैं, ये बी एंड ये सी ए पी में है, तो ये टर्म्स जो है ये किस में होगा ये हमको फाइंडिंग करना है। ठीक है, ये किस में होगा, ए पी में होगा, जी पी में होगा कि एच पी में होगा। तो ऑप्शन है ए पी, पहला ऑप्शन ए पी, दूसरा है जी पी, तीसरा है एच पी। ठीक है, तो इस क्वांटिटीज को हमको फॉलो करना है। तो पहले इसको ले लेते हैं, ये जो दिया हुआ है कोस की पावर 4 थीटा सेक स्क्वायर अल्फा कोमा 1/2 साइन की पावर 4 थीटा कोसेक स्क्वायर अल्फा आर इन ए पी, तो ये प्लस ये ए पी में है। तो क्या होता है, ए बी सी आर इन ए पी, इसको हम ए मान लेते हैं, ये मान लिया ए और ये बी और ये सी, अगर ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी में है, तो टू बी इक्वल टू होता है ए प्लस सी। ठीक है, या बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं, या टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 1/2 है, ए की वैल्यू ये है कोस की पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा प्लस सी की वैल्यू है साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 इक्वल टू कोस की पावर फोर थीटा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 थीटा कोसेक स्क्वायर। अब इसको हम चेंजिंग कर सकते हैं, सेक स्क्वायर को ये 1/4 कोस हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। 1 इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको सेपरेटिंग करते हैं, सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, तो पहला जो आंसर ये दिया है इसके टर्म में हमको बनाना है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये इसकी मल्टीप्लाइंग में जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 थीटा एंड कोस स्क्वायर अल्फा, इसको इधर वन की गुणा में लिया, कोस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा, क्योंकि एंगल में जो है साइन तो कहीं साइन स्क्वायर नहीं आगा, सेक स्क्वायर होगा, कोसेक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर का टर्म आएगा, तो इसको हम ले लेते हैं मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग लेने के बाद जो टर्म्स बन रहा है ये हो गया कोस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन की पावर 4 थीटा को चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं कोस की पावर 4 थीटा को। तो एक एक तो कोस स्क्वायर थीटा ही रहने दिया और एक कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यह है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 और साइन की पावर 4 थीटा, एंड कोस स्क्वायर में लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा उधर चला है, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब बात आती है साइन स्क्वायर अल्फा एक ही चल ही रहा है, कोस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट है 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब जो है इस टर्म की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग करने के बाद ऐसा कुछ टर्म बनाना है जो नीचे वाला आ रहा है उसको चेक करना है किस में होगा। ठीक है, तो वैसे ये आंसर एपी में आता है, फिर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये चला है साइन, इसको अगर मल्टीप्लाइंग कर देते हैं ये लाइन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फ़ा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाइंग होता रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, ये कंडीशंस हमने ले लिया। कुछ टर्म्स देखेंगे इसमें कुछ कैंसिल होगा कि नहीं। साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फ़ा, इसको इधर ले आते हैं एक साथ कर लेते हैं, माइनस का 2 साइन की पावर 4, साइन की पावर 4। अब देखते हैं किसको साइन की पावर 4 बनाया जा सकता है, साइन की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 अल्फ़ा हो रहा है एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर अल्फा जो सिंगल वाला टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगा, और देखते हैं कैसे होगा। साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ है, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा में लेना है, इसको ले सकते हैं कोस को 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें काम बाकी है, इसको भी साइन में चेंज कर लें साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहाँ पे कोस में पहले साइन में ले लेते हैं उसके बाद कोस में ऑलरेडी कन्वर्टिंग हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कोस को लिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर 4 ही रहने दें साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो कुछ पार्ट कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद देखो कुछ स्थिति इस प्रकार होगी, ये है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन की पावर 4 अल्फ़ा इक्वल टू, यह मल्टीप्लाइंग किया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें मल्टीप्लाइंग करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, यह है प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा
साइन स्क्वायर अल्फा, साइन की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा ही कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर अल्फा भी कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद बचतेगा ये टर्म से इधर ले आते हैं, ये 2x ऐसे हो इधर आ जाएंगे, यानी कि 2 sin² θ sin² α इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस का साइन की पावर 4 अल्फा। 2 sin² θ sin² α इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस sin² α। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो टर्म बच रहा है वो साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा, इसको इधर ले आते हैं माइनस में हो जाएगा 2 sin² θ sin² α, इस तरह से आ जाएगा। तो ये बन जाएगा नेक्स्ट लाइन, साइन की पावर 4 थीटा प्लस का साइन की पावर 4 अल्फा माइनस का 2, इसको सेपरेट कर देंगे एक साइड में, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फा को 0। अब क्या किया, अभी भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कोई जहाँ सॉल्यूशन करने के लिए आता है या PGT का एग्ज़ाम होता है उसके मतलब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर भी स्पीड बना के करेंगे तो आसानी से हो भी जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, क्योंकि फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा स्पीड कम ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आ सकता है, एंड कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा। जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आएगा तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा भी आएगा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा, तो उसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो हमें जो क्वांटिटी मिल गया है वो मिल गया है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो रिजल्ट्स प्राप्त हुआ है वो ये, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें हम रख सकते हैं ये क्वांटिटी, इसको चेक कर सकते हैं कि ये AP में है कि नहीं है। ठीक है, अब ऐसी इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने और चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं। तो सेम उसी तरह से जैसे इसमें ABC माना था, इसको मैं कैपिटल A मान लेता हूँ, ये कैपिटल B एंड ये कैपिटल C। ठीक है, ABC आर इन अगर AP है, GP होने के तो चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं और HP के भी, तो AP से ट्राई कर सकते हैं। AP का अगर अपोजिट आएगा तो HP हो जाएगा, यानी उल्टा आता है तो GP का चांसेस इसमें नहीं बन पा रहा है, यानी कि 2B इक्वल टू A प्लस C ट्राई करेंगे, इक्वल आ जाएगा तो AP में होगा। ठीक है, AP और HP एक जैसी लगभग कंडीशंस होती हैं। ये होगा कोस की पावर 8 थीटा एंड सेक की पावर 6 अल्फा प्लस साइन की पावर 8 थीटा एंड कोसक की पावर 6 अल्फा। ठीक, तो इसको चेंजिंग करेंगे, ये कैंसिल होकर बन आ गया कोस की पावर 8, कोस की पावर 8 थीटा एंड सेक को लिखेंगे, ये होगा कोस की पावर 6 अल्फा प्लस का साइन की पावर 8 थीटा एंड ये हो जाएगा साइन की पावर 6 अल्फा। ठीक है, इसको चेक इक्वल टू 1 आना चाहिए, देखते हैं। LCM अगर ले लेते हैं, वैसे साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, साइंस एंड कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास जो है इसको कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस की पावर 6 थीटा लिखा जा सकता 8 को, और नीचे कोस की पावर है 6 अल्फा, ऐसे ही इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 6 थीटा, और इसको लिखा जा सकता है साइन की पावर 6 अल्फा। ठीक है, साइन की पावर 6 अल्फा है ही है, और जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट हमको मिला था साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर अल्फा एंड कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फा लिखे हैं, तो ऐसी कोस की पावर 6 इक्वल टू ये इक्वल हो जाएंगी, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपस में इक्वल यानी कैंसिल हो जाएंगी इन वाले रिजल्ट से, ऐसे ही ये इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आ रही AP। AP की कंडीशन हमने लगाया था, तो इतना क्या आ जाएगा, AP में आ जाएगा, यानी 10.5 श्रेणी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो थोड़ा सा लेंथी हो गया काफ़ी, और इसको हम डायरेक्टली बता देते तो भी प्रॉब्लम था,
कि सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है और हो सकता है कि डिमांड बन जाती सॉल्यूशन की। तो पहले भी कुछ क्वेश्चन छोड़े गए हैं जिनको सॉल्यूशन अगर किसी का डिमांड रहेगा तो वो करा दिया जाएगा। टेन पाई बाई नाइन एक्स एंड टेन पाई बाई एटीन आर इन ए पी। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, टेन पाई बाई नाइन बाई एन टेन सेवन पाई बाई एटीन आर इन आल्सो आल्सो इन ए पी। ये भी ए पी में है, ठीक है। देन पहला ऑप्शन है टू एक्स बराबर वाई, बी ऑप्शन एक्स इज ग्रेटर देन टू टू, सी ऑप्शन है एक्स इक्वल टू वाई, अनली है इनमें से कोई नहीं। ये भी ए पी में है, ये भी ए पी में है, तो क्या कंडीशंस इनमें रिलेशन बन सकता है? तो दोनों में एक रिलेशन चेक करना है, एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन आ पाएगा, ठीक है। और तो पहली वाली ए मान लिया, ये बी है, ये सी है, ए बी सी आर इन ए पी। तो ए बी सी आर इन ए पी है, तो टू टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये ए माना, ये सी माना, ये बी, यानी कि टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन पाई बाई नाइन प्लस का टेन फाइव पाई बाई एटीन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। ऐसे ही ए बी सी आर इन ए पी, तो इसमें भी मानेंगे टू वाई इक्वल टू टेन पाई बाई नाइन प्लस का टेन सेवन पाई बाई एटीन, इसे इक्वेशन नंबर टू मानेंगे। ए बी सी ये भी ए पी में है, देन टू वाई इक्वल टू टेन पाई बाई नाइन प्लस का टेन सेवन पाई बाई एटीन, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो दो समीकरण हमारी बन गई हैं। अब इसको एक तो टू एक्स की होगा, एक टू वाई की, तो टू एक्स एंड टू वाई में हमको रिलेशन चाहिए है कि क्या ये कंडीशंस बन सकती है, क्या इसका आंसर आ सकता है। तो पहले एक इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम आपस में कटिंग कर देते हैं टू एक्स एंड टू वाई का, तो टू एक्स माइनस टू वाई, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ओनली बचेगा टेन फाइव फाइव बाई एटीन और माइनस का टेन सेवन फाइव बाई एटीन, इस तरह से। तो उससे कुछ सॉल्यूशन के चांसेस नहीं है। अगर टू एक्स टू वाई में रिलेशन होता या ऐसा कुछ है नहीं, एक्स वाई में तो है, तो एक रिलेशन ये भी है टू एक्स बराबर वाई, ठीक है। तो एक है एक्स इज ग्रेटर देन टू टू, तो इनमें से ज़्यादा जो चांस हैं ए ऑप्शन या सी ऑप्शन होने के हैं, क्योंकि बी एंड डी में डी तो नॉन दिया है, कुछ नहीं आएगा तो नॉन होगा ही। तो इनके अलग अलग क्वांटिटी भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन टू टू है, तो इसलिए अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर एक को हम पहले उठाते हैं, टू एक्स इक्वल टू टेन पाई बाई नाइन, यानी पाई का मान रखा जाएगा 180 एंड 5 पाई बाई नाइन टेन 5 इंटू 180 बटे नाइन, तो 9 दुनी 18 यानी कि टेन 20 प्लस का टेन 20 पंजे 100, ठीक है, टेन 20 प्लस टेन 100। तो इस तरह से क्वांटिटीज आ जाएंगी, टेन 20 प्लस टेन हंड्रेड, हंड्रेड अगर आया है तो फाइव पाई बाई एटीन है, हंड्रेड आएगा, एटीन है ना, एटीन है, सॉरी एटीन है, तो टेन और पचास आ जाएगा, पचास, टेन बीस प्लस टेन पचास। तो टू एक्स इक्वल टू, पहली क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, टू एक्स इक्वल टू टेन बीस प्लस टेन पचास। तो इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं, साइन कोस में कन्वर्टिंग कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन बीस अपॉन कोस बीस प्लस का साइन पचास अपॉन कोस पचास, एलसीएम लेंगे, यानी कि टू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कोस बीस कोस फिफ्टी, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग हो जाएगा साइन बीस कोस कोस पचास प्लस का साइन पचास एंड कोस बीस। तो साइन है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन पचास प्लस बीस साइन सत्तर एंड कोस पचास कोस बीस, यहाँ पे टू एक्स, तो टू एक्स इक्वल टू हो गया साइन सत्तर अपॉन टू से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर लेते हैं, क्योंकि टू कोस ए कोस बी बनना है, तो टू कोस पचास कोस सत्तर
2 cos 50 cos 20, उधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू साइन 70 अपॉन, नीचे नीचे बनना है 2 cos 1 cos 20। आप देख सकते हैं पहले 2 cos 1 cos 20 से बेटर है कि अगर ये कैंसिल हो जाए तो 70 है, तो 70 को हम बना सकते हैं साइन 90 माइनस 20, कोस 20 हो जाएगा, कोस 20 कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाए तो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि तो एक पॉइंट पे आ जाएगा और 20 से कोस 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू बना 1 अपॉन cos 50, या एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू cos 50। ये एक इक्वेशन आ गया, पहली इक्वेशन से जो वैल्यू आ गया यानी कि वो आ जाएगा 2x इक्वल टू 1 अपॉन cos 50। ये पहली इक्वेशन की वैल्यू है, 2x इक्वल टू 1 अपॉन cos 50। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन की वैल्यू लेना है 2y का, पहले 2x का निकाल चुके हैं, तो 2y इक्वल टू 10 पाई बाई 9 180/9 यानी 9 दूनी 18, cos 10 20 हो जाएगा, और ये 10 70 हो जाएगा, तो 10 20 को लिखेंगे sin 20 upon cos 20, और ये हो जाएगा sin 70 upon cos 70, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा cos 20 cos 70 एंड sin 20 cos 70 प्लस sin 70 एंड cos 20, यानी कि 2y इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b sin a plus b, तो ऊपर हो गया sin 70 प्लस का 20 अपॉन cos 20 cos 70, cos 20 cos 70, तो ऊपर हो जाएगा sin 90। sin 90 का मान जो होगा वन होगा, 1 अपॉन cos 20 cos 70। हाँ, पर हो गया sin 90 अपॉन cos 20 70 को लिखेंगे cos 90 माइनस 20, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो 1 अपॉन cos 20 sin 20, तो y इक्वल टू 2x एंड 2y में हमको रिलेशन फाइंडिंग करना है, तो 2y इक्वल टू इतना चल रहा था, तो 2 नीचे ले जाएं तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 sin 20 cos 20, यानी कि 2 sin a cos a sin 2 है, तो ये हो जाएगा sin 40। sin 40 को लिखा जा सकता है sin 90 माइनस का 50, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो 1 अपॉन cos 50, यानी y इक्वल टू 1 अपॉन cos 50 आ गया। ये आ गया y इक्वल टू 1 अपॉन cos 50। तो पहली समीकरण से 2x इक्वल टू 1 अपॉन cos 50 है, दूसरी समीकरण से y इक्वल टू 1 अपॉन cos 50 है, इन दोनों को अगर सॉल्विंग कर लेते हैं तो 2x इक्वल टू y पहला ऑप्शन बन जाएगा, मैंने इक्वल रख लेते हैं, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा 2x इक्वल टू y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो काफ़ी लेंथी भी हो रहा है, टेक्निकल भी पॉइंट्स है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, तो एक बार सोल्व किया, इसको स्पीड बनाया जा सकता है। 2x इक्वल टू y, ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो छोटा क्वेश्चन होगा, ट्रिकी क्वेश्चन होगा, वो अलग होता है। ठीक है, तो उसकी आसानी से ट्रिक्स लगाई जा सकती है, जैसे कि tan²x, ये क्वेश्चन है, tan x/2 cosec x - sin x दिया है, तो tan²x/2 की वैल्यू से आपको फाइंडिंग करना है। ठीक है, tan²x/2 इसमें निकालना है, तो ये भी है तो थोड़ा सा लेंथी ही, tan x/2 का मान cosec x - sin x है, तो हम हाँ tan x/2 क्या होगा, tan x/2 का मान हमको निकालना है, तो
टेन एक्स बाई टू इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस का साइन एक्स, देन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू क्या होगी? अब देख सकते हैं, अगर एक फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू होता है टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू साइन एक्स, ये साइन एक्स के इक्वल होता है। साइन एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है? तो साइन एक्स का एंड कोसेक एक्स की जगह हम वैल्यू पुट कर दें, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू टेन एक्स बाई टू, क्योंकि आंसर टेन में ही लाना है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू फाइंडिंग करना है। तो ये दोनों क्वान्टिटी अगर यहाँ पर रख दी जाए तो एक इक्वेशन बन जाएगी, टेन एक्स बाई टू में इक्वल टू कोसेक एक्स का मान वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू टेन एक्स बाई टू, एंड साइन एक्स की जो वैल्यू है तो वो हो जाएगा टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखिएगा, पहले हम मान लेते हैं टेन एक्स बाई टू को सपोज टी लेट किया, क्योंकि टेन एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू उठाई करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। टी इक्वल टू वन प्लस का टी स्क्वायर प्लस का टू टी माइनस का टू टी अपॉन वन प्लस का टी स्क्वायर, इसको सॉल्विंग कर लेते हैं तो एक इक्वेशन बन जाएगी टी की पावर फोर प्लस का फोर टी स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, यानी टी इक्वल टू तो टेन एक्स बाई टू है ही, है ना, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हमको फाइंड करना है, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। तो उस फॉर्म से अगर हम वैल्यू फाइंडिंग करेंगे तो टी स्क्वायर की ही वैल्यू हमारी फाइंडिंग हो पाएगी, तो क्या हो जाएगा बी माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो श्रीधराचार्य फॉर्म में ये ए इक्वल टू वन हो जाएगा, बी इक्वल टू फोर हो जाएगा, सी इक्वल टू माइनस वन, यानी ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू फोर एंड सी इक्वल टू माइनस वन, ये वैल्यूज यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। तो इसको हमको क्वाड्रेटिक बनाना है, यानी टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का फोर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को सपोज वाई या कुछ मान लें, जैसे वाई स्क्वायर प्लस का फोर वाई माइनस वन बराबर जीरो, तो वाई की वैल्यू लेंगे तो वाई इक्वल टू दिस, तो वाई का वन टी स्क्वायर रख देंगे। तो ये थोड़ा सा इसको समेटा गया है, वो डायरेक्ट मतलब और क्या होता है, थोड़ा सा उसको शॉर्टकट लगा देते हैं, सोलह माइनस का फोर इंटू वन इंटू वन फोर अपॉन टू इंटू वन। तो इसको सॉल्विंग करेंगे तो फोर माइनस फोर और अंडर रूट बारह अपॉन टू, ठीक है? तो टी स्क्वायर की ही वैल्यू हमको चाहिए थी, बारह को चार थी या बारह लिखेंगे फोर, सी का मान माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का फोर हो जाएगा, एंड सोलह चार बीस होगा, चार पंजे बीस, चार का अंडर रूट टू हो जाएगा, टू रूट फाइव अपॉन टू, और टी स्क्वायर इक्वल टू टू कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ माइनस टू प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया, यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू अंडर रूट फाइव माइनस टू, ठीक है? तो ये क्वांटिटीज आ जाएंगी, टी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू अंडर रूट फाइव माइनस टू।